जनपद कानपुर में नगर निगम कर्मचारी संघ द्वारा नगर निगम गेट पर दिया गया धरना। कानपुर नगर निगम कर्मचारी संघ ने 37 सूत्रीय मांगों को लेकर नगर निगम गेट पर धरना देकर नगर आयुक्त के माध्यम से नगर विकास मंत्री व अपर मुख्य सचिव नगर विकास को संबोधित ज्ञापन सौंपा। धरने में नगर निगम केडीए व जलकल के कर्मचारी शामिल हुए। कर्मचारियों ने सरकार व शासन के खिलाफ नारेबाजी कर अपनी मांग पूरी किए जाने की मांग की। कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रमाकांत मिश्रा ने बताया कि मांग करते करते लगभग 2 वर्ष हो गए हैं और कई बार उच्च स्तरीय बातचीत हुई, लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। नगर निगम कर्मचारी संघ के संयुक्त मंत्री मुन्ना हजारिया ने प्रदेश के मुखिया से मांग किया कि निकाय के कर्मचारी आपके आदेश पर रात दिन एक कर अपने जान की परवाह किए बिना कोरोना महामारी में कार्य करते रहे, लेकिन शासन प्रशासन कर्मचारियों के मांगों के प्रति उदासीन है, जिसे तत्काल प्रभाव से समाधान किया जाना चाहिए। धरने में प्रमुख रूप से देवीदीन भाव, हरिस्कर शुक्ला, मुन्ना पहलवान, नीलू निगम, पंकज शुक्ला, सुनील हजारिया, राजू दुबे आदि लोग शामिल हुए। जनपद कानपुर से दीपक कुमार की रिपोर्ट। हम रमाकांत मिश्रा है, उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ का कार्यकारी अध्यक्ष हूँ, कानपुर नगर निगम कर्मचारी संघ का महामंत्री हूँ। आज हम लोग यहाँ पर धरना कर रहे हैं महासंघ के आह्वान पर, पूरे प्रदेश में चल रहा है। पूरे प्रदेश में धरना के माध्यम से हम नगर आयुक्त के माध्यम से पूरे नगर पंचायतों में, नगर निगमों में, जल संस्थानों में ज्ञापन दे रहे हैं, नगर विकास मंत्री जी को संबोधित और अपर मुख्य सचिव को। पिछले काफी अरसे से हमारी 30 सूत्री मांग पत्र, महत्वपूर्ण 7 सूत्री मांग पत्र पर कई बार मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव, सचिव से वार्ता के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं। यहाँ तक कि पीएमओ से भी दिशा निर्देश आए सरकार को, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम लोग 16 जुलाई को लखनऊ नगर निगम में पूरे प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक करके ये निर्णय लिया गया कि 16 जुलाई को पूरे प्रदेश में धरना के माध्यम से माननीय नगर विकास मंत्री को, अपर मुख्य सचिव को ज्ञापन दिया जाएगा। 7 अगस्त को सांकेतिक कार्यबंदी होगी। अगर इसके बाद भी सरकार कोई निर्णय नहीं लेती है तो 27 अगस्त को लखनऊ जीपीओ पार्क में पूरे प्रदेश के निकाय कर्मचारी धरना देकर माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देगा और वहीं से कोई एक बड़े आंदोलन का जो है घोषणा किया जाएगा और इसकी पूरी जिम्मेदारी जो है शासन सरकार की होगी, क्योंकि हम लोग थक गए हैं। एक भी मांग हमारी पूरी नहीं हो रही है जिसको लेकर ये धरना आज यहाँ दिया जा रहा है। 3 बजे जो है नगर आयुक्त के माध्यम से ज्ञापन प्रेषित किया जाएगा। आने वाले 2022 चुनाव में आपको सरकार के लिए क्या करना? देखिए, सरकार के लिए तो हम लोग कर ही रहे हैं। हम अपने जीवन को दाव पर लगा करके सफाई हो, चाहे कूड़ा उठान का मामला हो, चाहे मुर्दा निस्तारण कर रहा हो, पूरा कोरोना काल में हमारा कर्मचारी ने जो है अपने परिवार की चिंता किए बगैर काम किया है, सरकार के गाइडलाइन पर किया है, उससे सरकार का मान सम्मान बढ़ा है, प्रशासन का मान सम्मान बढ़ा है। लेकिन हम लोगों को उस तरह की सुविधा नहीं मिल रही है। हमको केवल मलवा कूड़ा उठाए जाने के नाम से जाना जाता है, जबकि हमारे देख लीजिए राज्य सरकार और निकाय के कर्मचारियों के वेतन में बहुत अंतर है। वेतन विसंगतियां हमारी प्रमुख हैं, उसकी मांग आज पूरे प्रदेश में जो है कोरोना काल में जो है डीए का वो किया गया था। हम लोग बार बार मांग कर रहे हैं कि जब केंद्र सरकार ने डीए दे दिया है जुलाई में, तो हमारे राज्य कर्मचारी और निकाय कर्मचारी, शिक्षक कर्मचारियों को भी रुका हुआ डीए दिया जाए। तो हम सरकार का हमेशा सहयोग करते हैं, लेकिन जब हमारी नहीं सुनी जाएगी तो हमारे पास एक आंदोलन ही माध्यम होता है जिसके माध्यम से हम अपनी बात जो है सरकार तक पहुंचा सकते हैं। हो सकता है कि हमारे विभागीय अधिकारी आनाकानी कर रहे हों, आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, LIO के माध्यम से हमारी बात जो है माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचेगी। और हमें विश्वास है कि जिस तरह से हम लोगों ने कोरोना काल में मेहनत किया है, कार्य किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी अवश्य रूप से हमारे मांगों पर विचार करेंगे, अन्यथा की स्थिति में हम मजबूर होकर आंदोलन पर जाएंगे।